ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन 1A, ठीक है। टिनमार्कर द क्वेश्चन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसमें क्या लिखिएगा? ठीक है, तो देखो ये तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अबाउट कि ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट, दिस देयर इज नो इशू विद दैट, बट व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबर्टी? थॉमस पेन, राइट। यू सी व्हाट आई वुड सजेस्ट, इसका इंट्रो में नेचुरली यू विल स्टार्ट विथ व्हाट इज लिबर्टी एंड लिबर्टी बीइंग द सेंट्रल थॉट, ठीक है। इसके बाद क्या करना ना कि आप जो बात बोल रहे हो ना, थोड़ा सा उसमें हम क्या करेंगे, टेक्निकल आइडिया ले आएंगे, सब्जेक्ट का आइडिया। आपको याद है इजाया बर्लिन, एक बुक है, बुक का टाइटल याद है? कोई बात नहीं, है याद आया? इनकी एक बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, एंड हियर ही हैज डिस्कस्ड अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो पहले जो हम बात जिस तरीके से कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट वी आर पुटिंग इन सम सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ थिंकर, नेम ऑफ बुक। तो इससे क्या हुआ ना कि एक जो जनरल डिस्कशन रहता ना, उससे अब एक स्पेसिफिक डिस्कशन आ गए। एंड इन नेगेटिव लिबर्टी ही हैज एक्सप्लेन, नेगेटिव लिबर्टी इज अबाउट फ्रीडम फ्रॉम, राइट, फ्रीडम फ्रॉम, और इसका मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, दिस कैन बी अनदर इंडिविजुअल, दिस कैन बी सोसाइटी, दिस कैन बी द स्टेट, राइट, यस। एंड पॉजिटिव इज फ्रीडम टू, फ्रीडम टू डू समथिंग, विच मीन्स कैपेसिटी, यस, मतलब कि ओनली देन आई कैन हैव फ्रीडम टू डू समथिंग इफ आई हैव कैपेसिटी। सपोज आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट दैट फ्रीडम, बट अगर मेरे पास पढ़ने, आई एम नॉट अ लिटरेट पर्सन, आई कैन नॉट रीड, ठीक है। तो वी विल एक्सप्लेन दैट इजाया बर्लिन इन हिज बुक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी हैज एक्सप्लेन्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल, एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम इंडिविजुअल, सोसाइटी, इवन द स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम पॉजिटिव पे नहीं आए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसी के बाद हम डाल देंगे क्लासिकल लिबरल्स, नियो लिबरल्स, बिकॉज दीज आर द टू पीपल हु टॉक अबाउट नेगेटिव लिबर्टी। सो क्लासिकल लिबरल्स लाइक जॉन लॉक, लॉक ने क्या बोला है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी बिलोंग टू द इंडिविजुअल एंड स्टेट कैन नॉट एनक्रोच, राइट। सिमिलरली जो नियो लिबरल लाइक नॉजिक, नॉजिक ने क्या दिया है, एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस। तो ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी। अब आएंगे पॉजिटिव वाले साइड, देन फ्रीडम टू, हाँ, तो फ्रीडम टू डू समथिंग व्हाट एवर वन वॉन्ट्स टू डू। सो हियर अब हम आ जाएंगे ठीक इसी तरीके से नीचे में, पॉजिटिव लिबरल्स लाइक लास्की और टीएच ग्रीन, राइट, इनके आइडिया लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्दर ऑन
इट कैन बी इनका नाम सोशल लिबरल डाल दो या इगलिटेरियंस डाल दो, सारे के सारे वही हैं। यहाँ पे किसने क्या बात की है, रॉल्स ने डिफरेंस प्रिंसिपल की बात कर दी, ठीक है ना। रॉल्स के बाद डॉर्किन ने हैज कॉल्ड अबाउट रिसोर्स इगलिटेरियनिज्म, वाइल अमर्त्य सेन ही हैज टॉक्ड अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच। खत्म हो गया। तो देखा कि सिंपल और इसमें देखो सिर्फ कंटेंट पे चल रहे, नथिंग एल्स, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, नंबर कहां कटेगा। बस यही करना है कुछ भी। आई मीन इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक कि यार ये तो मुझे पता नहीं था। बस पता आपको रहता है, इट इज जस्ट अबाउट जो भी नॉलेज आपका है, हाउ दैट हैज टू बी प्लेस्ड ओवर इट। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके अलावा भी आई होप यू आर इन दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां भी अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट रहे ना, एंड आई हैव सेड दिस इन दैट ओरिएंटेशन लेक्चर एज वेल, कि वॉट एवर यू फील लाइक आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, हेजिटेशन हटा देना, ठीक है ना। बिकॉज सीधी सीधी बात है यार, वी आर टॉकिंग, सो वाई टू हेजिटेट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हाउ वी विल इंट्रोड्यूस दिस। इंट्रोडक्शन में अभी बात कर रहा हूं, रादर देन राइट्स का डेफिनेशन, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीकल्चरल आइडिया। क्योंकि ऐसे हम क्या करेंगे, आप राइट का डेफिनेशन दोगे, उसके बाद आप आओगे मल्टीकल्चरलिज्म या मल्टीकल्चरल आइडिया क्या है, उसके बाद फिर आप पहुंच रहे हो ना नीचे क्रिटिसिज्म पे, 10 मार्कर है, ठीक है ना। तो सीधे का सीधा इंट्रोडक्शन में वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, ओके। और उसके साथ बस एक छोटा सा लाइन मेंशनिंग भिखू पारेख और वेलकम ली का, कि व्हाट डज इट एक्चुअली टॉक अबाउट और दोज थिंकर्स टॉक अबाउट। उसके बाद सिंस द क्वेश्चन इज डायरेक्ट, वी विल गो फॉर द आंसर डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, इसमें सीधे का सीधा एक सब हेड देंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। और उसके बाद जो भी हमारे पास थिंकर्स है ना, We will mention about that, ठीक है। जर्मी वॉल्ड्रॉन हो गया, साइला बिन हबीब हो गई, चंद्रन को कथास हो गया, इनफैक्ट अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन बात करते हैं ना, दिस विल लीड टू गेटोइजेशन, हाँ, when you are talking about multicultural idea, ठीक है। अगर कंटेंट किसी में लगे कम तो बता देना, वैसे इसका आंसर तो नेचुरली आई शैल बी प्रोवाइडिंग, लेकिन मैं उस तरीके का आंसर नहीं दूंगा कि आप याद कर लो। I will provide content, structure बता दूंगा, फिर content बता दूंगा, so that कि अगर कुछ extra भी है तो या कुछ नया है तो revise it, okay? लेकिन और इतना लिखने के बाद ना, उसके बाद conclusion conclude कैसे करेंगे? हाँ, कैसे? कोई idea? We can talk about India, or in fact, we can talk about the contemporary challenges. जो global challenges हम जो देख रहे हैं, चाहे हम migration की बात कर रहे हैं या populism की बात कर रहे हैं, we are talking about violence and terrorism, racial violence. उसका जो solution है, उसका solution somewhere lies in giving primacy to multicultural perspective on. क्योंकि की टर्म है ना टॉलरेंस, आप सही बोल रहे हो, लेकिन की टर्म चूंकि मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव है, सो वी विल ब्रिंग बैक टू, क्योंकि वंस वी हैव रिटन मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव, इसमें तो सब कुछ आ गया ना, टॉलरेंस से लेकर के राइट से लेकर के स्पेशल वोटिंग राइट्स, स्पेशल रिकॉग्निशन राइट्स, सेल्फ गवर्नेंस राइट्स, सब आ गए,
बस और कुछ नहीं है. ओके अब नेक्स्ट है मार्क्स थियरी ऑफ एलियनेशन. याद है? रिवाइज इधर नहीं किया है क्या आपने पीएसआईआर? क्यों? जब मार्क्स इस बार कैसे क्या आ रहे हैं? हाँ मार्क्स प्रीपीटी में तो जब आ रखा है एंड यू नो कि यू आर गेटिंग इन, फिर रिवाइज क्यों नहीं किया? किसका इंतजार कर रहे थे? यार देखो वो उतने बड़े टॉपिक्स हैं नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उतने बड़े टॉपिक्स हैं नहीं. साथ में बैठ जाते हो सकता है बिहेवियरलिज्म में, अभी ये डिस्कस कर दूंगा. एक क्वेश्चन है बिहेवियरलिज्म पे, वो उतने बड़े टॉपिक्स ईमानदारी से कह रहा हूँ है नहीं. क्योंकि देखो कितना कितने दिन बीत गए, 12-14 दो सप्ताह तो हो गया ना. अगेन टुडे इज मंडे. सो व्हेन यू आर नोइंग दैट यू आर इन, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. फोकस तो करना पड़ेगा यार, मैं साफ बता रहा हूं. देखो यूसी, आप अपने साइड से एफर्ट डालोगे ना तो मुझे अपने साइड से एफर्ट डालने में भी मजा आएगा. अगर आप अपने साइड से एफर्ट नहीं डालोगे तो मुझे भी थोड़ा लगेगा ना कि अरे यार अगर वो खुद टेंशन नहीं ले रहा है तो मैं क्यों टेंशन. आज से लगता है हर एक को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे लगता है सबको बुला करके क्लास में बिठाना पड़ेगा. क्योंकि पता चला कि आप ही की तरह बाकी सब लोग भी रिलैक्स बैठ के कर रहे हैं. क्या मैं बोलूं? चलो ठीक है. देखो आपको आइडिया है ना मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन का? क्या है मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन? हाँ ओके. देखो एलिनेशन जो है ना, एलिनेशन कहाँ था? मार्क्स के इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैनुस्क्रिप्ट्स में, यंग मार्क्स, राइट? And he has taken this idea of alienation from Hegel and Feuerbach. Hegel कहता था कि भगवान से separate होने के कारण you are getting alienated. So state is the march of God on the earth. So obeying the state, you end your alienation. Feuerbach कहता है religion is the cause of alienation. So religion से हट जाओ, alienation खत्म हो जाएगा. लेकिन Marx दूसरे तरह का, because Marx is talking about criticism. Marx is focusing on the criticism of capitalistic mode of production. तो कहता है कि the way capitalistic mode of production is, first of all, whatever you are producing, it is not because of your own intellect or your desire. You are ultimately producing for the demand of market, right? क्योंकि यहाँ तो demand supply का है ना, market में जो demand आएगा उसका तुम produce करोगे. So this will lead to alienation because this is not outcome of your creativity or your creative urge. ये इसका, ये किस चीज का? ये डिमांड ऑफ मार्केट के कारण है. तुम कब तक करोगे? अपने आप तुम काम तो करो लेकिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, that is alienation. फिर क्या है? प्रोसेस. क्योंकि वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग इट इज नॉट अ होल सेल्फ. द टर्म दैट यू यूज्ड, कॉग इन द व्हील. You do not know what is the final outcome of my product will be, what the product will look like. So just like a machine, I am doing something. So this will further lead to, this is another factor why it will lead to alienation. Because you do not know whatever you are doing, what the final outcome would be. ठीक है? तीसरा क्या हुआ? Society, reason being, आप चूंकि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हो, आपको हर दिन काम करना है. क्यों? खाने के लिए, फॉर योर बेसिक नीड्स. तो इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी के साथ जो एंगेज करने का आपका जो समय है, यू आर नॉट गेटिंग दैट टाइम. सो व्हेन यू आर नॉट एंगेजिंग इन द सोसाइटी,
यू आर गेटिंग एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. अनदर थिंग इज दैट कि आप जब अपने कोवर्कर्स को देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट देम एज कॉम्पिटिटर्स. हाँ, आप उनको फ्रेंड्स या सोशल मेंबर्स की तरह नहीं देख रहे हो, आप उनको कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हो. दिस इज अनदर रीजन वी हैव दैट विल लीड टू एलिनेशन. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, यू विल गेट एलिनेटेड फ्रॉम योर सेल्फ. ठीक है, ये आपका हो गया एलिनेशन का. तो इसके इसके बाद हम क्या करेंगे ना, स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नेचुरली डाल देंगे. ठीक है ना, चार हमने लिख दिया. पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया एलिनेशन है क्या, उसके बाद फिर मार्क्स कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन रिटेन इन इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैनुस्क्रिप्ट्स, 1, 2, 3, 4. फिर इसका जो क्रिटिसिज्म है ना, वो एरिक फ्रॉम का है, हैबरमास का है. अगर आपके पास नहीं ना, मैं आंसर में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है ना, इनफैक्ट अल्थुजर हिमसेल्फ हैज क्रिटिसाइज्ड. ठीक है ना, अल्थुजर जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट है, हाँ, तो ठीक है, उसने खुद क्रिटिसाइज किया है. ठीक है ना, ये हो गया. नेक्स्ट इज अंबेडकर स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी. इसका मतलब मेरे को एक्सप्लेन करो. हाँ बिल्कुल सही. ओके, ब्रॉडली आप सही हो. अच्छा, वो याद है ना, डेमोक्रेसी जस्ट द टॉप सॉइल इनहेरेंटली एन इक्वल सोसाइटी. हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है. सो देखो क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो देखो इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, एक तो जनरल हो सकता है, यू कैन टॉक अबाउट अंबेडकर, हिज आइडिया अबाउट सोशल जस्टिस और हिज फोकस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स और द पुअर सोसाइटी में भी पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल और द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शन. एक दूसरा इंट्रोडक्शन का तरीका हो सकता है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, अंबेडकर ने अगर ऐसा बोला है तो इन व्हाट कंटेक्स्ट ही हैज सेड दिस. Right? What is his context? His context is that ki for the success of democracy in India, there is a need for social democracy. Lekin social democracy ko khol do. क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाएगा ना. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी क्वेश्चन से उठा लिया, सोशल डेमोक्रेसी भी क्वेश्चन से उठा लिया, तो पता चला क्वेश्चन को ही पलट के आंसर का इंट्रोडक्शन बना दिया. सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यस, हाँ, मतलब है कि जो कास्ट बेस्ड जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी दैट आर प्रिवेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, दे नीड टू बी टैकल्ड. यही है ना, इफ यू वॉन्ट द सक्सेस ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी, तो जो जो सोसाइटी में डिफरेंसेज हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एटसेट्रा, दैट नीड टू बी टैकल. सोशल डेमोक्रेसी का यही मतलब है. तो अल्टीमेटली मैंने बोला वही है, बट आई हैव ओपेंड अप द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. ठीक है, तो अंबेडकर ने क्या बोला था, अंबेडकर ने बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या, नॉर्मली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मींस वन मैन वन वोट वन वैल्यू.
बट वेन वी लुक एट इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वी आर ब्रिंगिंग इन वन मैन वन वोट बट देयर कैन नॉट बी वन वैल्यू रीजन बींग की जो सोसाइटी में देयर इज इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन द सोसाइटल स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर सो इसके लिए वन वैल्यू हो कहीं कैसे पाएगा एंड टिल और जब तक वन वैल्यू नहीं होता वन मैन और वन वोट का कोई पॉइंट है नहीं एंड दिस वॉन्ट बी सस्टेनेबल मतलब कि अगर आपको इंडिया में डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल बनाना है तो आपको वन मैन वन वोट नहीं वन मैन वन वोट वन वैल्यू लाना पड़ेगा यानी कि जो सोसाइटी है सोसाइटल लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे टैकल करना पड़ेगा एक्सप्लेन कर दिया 10 नंबर का है अब हम आगे जाकर के सजेस्ट कर देंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट वर टेकन और व्हाट आर द सजेशंस दैट वर गिवन उसमें हमने क्या किया हमने क्या किया एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ले आए हाँ सो दैट की हर कोई आ गया नेक्स्ट इज रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल टर्म्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा ठीक है देन सम स्पेशल इनिशिएटिव्स लाइक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट दैट हैव ऑल्सो बीन टेकन टू फर्दर लिमिट और इन सब का फायदा क्या है कि इंडिया हैज हेल्प्ड इन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इंडिया हैज हेल्प्ड इन हैज इंश्योर्ड टैकलिंग द प्रिवेलेंट इनइक्वालिटीज खत्म हो गए बस समझ में सब आ रहा है ना आई मीन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ना कि ऊपर से भाग जा रहा है पक्का लग रहा है ना इससे फायदा हो जाएगा तो एक काम करना अभी तो ठीक है आप वैसे नोट डाउन कर भी नहीं रहे हो एंड दैट इज नॉर्मल जाना तो वापस से वेन एवर यू आर रेडी आंसर लिख लेकिन आंसर लिखने के बाद एक बार बैठ करके ना जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज उससे क्या होगा ना कि ठीक है फिर ये स्ट्रक्चरिंग देख लिया और आप एक बार खुद से भी देख कि हाउ आई हैव रिटन इट ठीक है देन व्हाट विल हैपन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस विथ मी कि आप कहोगे कि सर देखो आपने ऐसा बताया था मैंने ऐसा लिखा क्या गलत है क्यों गलत है ये तरीका मेरा वाला क्या ऐसे भी हो सकता है बिकॉज इट मीन्स हैपन बिकॉज इट देयर इज नॉट जस्ट वन वे ऑफ राइटिंग एन आंसर देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग आंसर ओके नेक्स्ट इज एलिटिस्ट थियरी ऑफ पावर कुछ थिंकर से याद है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिचेल राइट पावर एलिट सी राइट मिल हाँ आप इसमें वही करोगे पॉइंट वाइज इसका डाल देना पहले तो आप इंट्रोडक्शन में यू विल डिफाइन व्हाट इज एलिटिस्ट थियरी राइट उसके बाद आप क्या करोगे पेरेटो हो गया मॉस्का हो गया रॉबर्ट मिचल्स हो गया सी राइट मिल्स हो गया इन सब के आइडियाज हम लिख देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे इसको क्रिटिसिज्म कर देंगे ठीक है ना रॉबर्ट डल जैसे हो गया उस तरीके से ठीक है और उसके बाद फिर हम कंक्लूड कर देंगे ठीक है ना लास्की हो गया इस तरह से हाँ लिंडब्लॉम हो गया बस देखो पॉइंट वाइज लिखने में हेजिटेट नहीं करना 10 मार्कर में पॉइंट बनाना भी नहीं तो पेरेटो लिखा माइंड एंड सोसाइटी उसने ऐसा किया ठीक है ना मॉस्का पॉलिटिकल क्लास उसने ऐसा ऐसा बोल रखा है रॉबर्ट मिचेल्स हैज गिवन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वेयर ही हैज डिस्कस्ड दिस तो इस तरीके से तो कम से कम ये क्या होगा अगले पन्ने का शुरुआत का 1/3 तक उसके बाद फिर एक या दो क्रिटिसिज्म फिर सीधा कंक्लूजन बात खत्म हो ओके अब अगले सवाल पर आते हैं
एग्जामिन दी चैलेंजेस टू सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सवाल देखा। अब इसमें लिखेंगे क्या, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिन दी चैलेंजेस टू सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या इसमें लिखेंगे? बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। सही है, नहीं नहीं, राइट 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 राइट, गुड, सही। हाँ नहीं नहीं सही है, ऑनेस्टली हर हेजिटेशन नहीं सही है, बस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करवाऊ, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ब्रॉडली इसी तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले इंट्रो में वी विल एक्सप्लेन सोवरेनिटी, व्हाट इज सोवरेनिटी, लिख देंगे सोवरेनिटी के चारों फीचर्स नेचुरली। उसके बाद हम लिखेंगे आइडिया ऑफ हॉब्स ऑस्टिन। एक तो 20 मार्कर है ना, तो कम से कम पहले पेज का 2/3 तक तो जाएंगे ना, कि व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, राइट। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, आई हैव टॉक्ड अबाउट सोवरेनिटी एंड देन आई हैव गिवन द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स। इसके बाद फिर जाएंगे अबाउट द कंटेम्पररी चैलेंजेस, राइट। आप जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट इन कंटेम्पररी टाइम्स द चैलेंजेस टू स्टेट सोवरेनिटी इट हैज कम फ्रॉम टू फ्रंट्स और टू साइड्स। एक तो क्या है ना, एक है इंटरनल, क्योंकि जो लास्ट की बात करता है ना वो इंटरनल चैलेंजेस की बात करता है, वो कल्चर वैल्यूज अथॉरिटी इज सोसाइटी इज फेडरल, ठीक है। एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो कहां से आ गया, एक्सटर्नल। तो वही करेंगे हम दोनों जगह पे, इंटरनल में लास्की जैसों के व्यूज डाल देंगे, एक्सटर्नल में जो ग्लोबलिस्ट थिंकर्स हैं उनके व्यूज डाल देंगे, क्योंकि जब मार्शल मैकलुहान वगैरह बात कर रहा है तो वो तो ग्लोबलिस्ट है ना, तो व्हाट डू ग्लोबलिस्ट से, कि चीजें स्टेट के कंट्रोल में है ही नहीं, वो यही बात करते हैं ना, कि नीचियो हम की बात कर लो, मार्शल मैकलुहान कुछ कुछ याद है ना, मतलब वही ग्लोबलिस्ट ने जो बोल रखा है। तो इससे क्या हुआ अगेन, एक तो आंसर का स्ट्रक्चर सुधर गया, अपने पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा आ गया, और जनरल से आपने जो बोला ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वही लिखेंगे, पहले बस उसके नाम लगा देंगे मार्शल मैकलुहान का, क्योंकि वही वो तो चैलेंज कर ही रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो चैलेंजिंग स्टेट सोवरेनिटी। एक तो इंटरनली इट इज द कल्चर विच इज चैलेंजिंग, एक्सटर्नली ग्लोबलाइजेशन इज चैलेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल थ्रेट्स जो हैं, जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, आप टेररिज्म की बात कर रहे हो, ये सब तो चैलेंज कर ही रहा है ना। बस इंटरनेशनल रेजिम्स, जब हम ह्यूमन राइट रेजिम की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग स्टेट सोवरेनिटी, क्योंकि ह्यूमन राइट रेजिम इटसेल्फ सेज कि भैया तुम्हारे पास राइट टू प्रोटेक्ट है, योर अथॉरिटी ओवर योर सिटीजंस इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर सिटीजंस, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, हमने इसे तोड़ दिया, कंटेंट भी बढ़ गया, थिंकर्स भी आ गए, और जब कोई इस तरीके से देखता है ना, स्ट्रक्चर्ड लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, इसने चीजों को फ्लो में अच्छे से लिखा है, बस और क्या करना है। मैं हर किसी को कहता हूं कि आंसर राइटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और दो चार आंसर ऐसे लिख लिए,
दो चार तरह के चीजें समझ में आ गई, मस्ती में लिखते रहो ना जितने आंसर लिखना है, कोई अड़ंगा नहीं होगा। और एक और चीज बोल दे रहा हूं, कोई भारी भरकम लैंग्वेज नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल लिखना है सब कुछ बस, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, ये थोड़ा परेशान करेगा। लास्ट ईयर भी फासिज्म पर एक सवाल था ना, उसमें कंटेंट की दिक्कत हो गई होगी। तो उसमें डेमोक्रेसी वाला एंगल कैसे डाला था, क्योंकि सवाल था ना एम्बीवैलेंस स्टांस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, क्यों एम्बीवैलेंस है, कुछ कुछ याद है? देखो यहाँ पे आपने जो लिखा वो गलत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है ना उस मुताबिक नहीं, वो ये नहीं, वो लिबरलिज्म के रिगार्डिंग सवाल नहीं है। कंसीडर इट डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। नेचुरली जो लिबरलिज्म का जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है वो डेमोक्रेसी है, इसका इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है कैपिटलिज्म, ठीक है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। लेकिन हमें मतलब कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर नहीं, हमें इसके सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर फोकस करना था। तो हमें क्या करना था, हमें दिखाना था कि वेदर यू टॉक अबाउट जनरल टोजो और यू टॉक अबाउट मुसोलिनी और यू टॉक अबाउट हिटलर, ये सब आई पावर में कैसे थे, डेमोक्रेसी के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू आए थे ना। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले उन्होंने वही सारे डेमोक्रेटिक मेथड्स को यूज किया फॉर कमिंग टू पावर, और उसके बाद दे डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो तो खुद कहता था, मुसोलिनी का ही कहा हुआ था ना कि पार्लियामेंट्स आर नथिंग बट टॉकिंग शॉप्स एंड दिस इज द प्रिविलेज ऑफ रिच नेशंस। हिटलर ने बोल रखा है कि डेमोक्रेसी के कारण ना कमजोर लीडर्स आ जाते हैं, एंड इट इम्पीड्स द थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन ऑफ स्ट्रांग लीडर्स। ये सारी चीजें वही लिखना था, और कुछ थोड़े ना लिखना था, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला सवाल, फासिज्म इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये लास्की का कहा हुआ है, ऑनलाइन कोई है क्या, नहीं है फिर। अच्छा, इन्होंने टेस्ट जब लिखा नहीं है तो ये अटेंड कैसे करेंगे, ये भी नॉर्मल है। खैर, इसका कुछ मतलब पता चल रहा है, हाँ देखो, सही आपने सही पकड़ा, सही समझा। देखो इसमें ये जो आपने बोला ये सेकंड पार्ट की चीज है, फर्स्ट वी विल हैव टू शो दैट हाउ फासिज्म इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज। तो द वे टॉक्स अबाउट द स्टेट, नथिंग अबव और बियॉन्ड द स्टेट, एवरीथिंग अंडर द स्टेट, सिटीजन डू नॉट हैव एनी राइट्स, दे ओनली हैव ड्यूटीज, ठीक है ना। हाउ इट लेड टू क्रिएशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, तो वहां से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हाउ दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन मींस ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो लास्की इज सेइंग दैट अल्टीमेटली द फासिस्ट गवर्नमेंट्स दे फोकस ऑन स्मॉल सेट ऑफ इकोनॉमिकली पावर्ड ग्रुप्स, इकोनॉमिकली पावर्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। और इसीलिए जब हम बात इसकी करते हैं ना फासिज्म, हम एक और टर्म यूज करते हैं, और अगर सपोज करो कभी सवाल आ गया ना, फासिज्म इज आल्सो टर्म्ड एज कॉर्पोरेट स्टेट, ठीक है ना। ऊपर से ये क्या किया था इसने कि दो इट वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, बट इसने क्या किया था कि किसी भी तरह के जो लेबर यूनियंस वगैरह थे
उन सबको डिसमेंटल कर दिया था, डिसबैंड कर दिया था, सो दैट अल्टीमेटली जो कैपिटलिस्ट हैं दे शुड बी बेनिफिटेड मोर आउट ऑफ, ठीक है। सो अल्टीमेटली होल इकोनॉमिक पावर इन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट टू एक्सपेंड द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कैपिटलिस्ट एज वेल एज द रूलिंग क्लास और रूलिंग पार्टी, ये लास्की कह रहा। अब नेचुरल है इसके नीचे हमें क्रिटिसिज्म पर भी जाना है, वो वाला नहीं आ पाएगा, कैसे कैसे आएगा सोचकर आप एक बार देखो, अगर आपको लगता है तो वी कैन डिस्कस दैट, कोई ना, क्योंकि नहीं आ पाएगा, बिकॉज ये फॉक्सेस एंड लायंस की बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे, सिर्फ भैया फॉक्सेस हैं या सिर्फ लायंस हैं, इट इज नॉट दैट फ्रॉम फासिस्ट लीडर्स इट विल गो टू द कैपिटलिस्ट, अल्टीमेटली फासिस्ट लीडर्स एज पर लास्की फासिस्ट लीडर्स आर प्रमोटिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट ओनली, ठीक है ना। लेकिन इसके नीचे हम जाएंगे नेचुरली क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेट अब वी विल से दैट ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वर्जन है, ठीक है ना, बिकॉज दे इवन वेंट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट एंड अल्टीमेट पर्पस वॉज टू एक्सपेंड द इंटरेस्ट ऑफ द फासिस्ट एंड नाजी पार्टी, बिकॉज अल्टीमेटली जब वॉर या कंफ्लिक्ट हुआ उसमें तो कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट सर्व हुआ नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट सर्व होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पे व्हाट दे वेर प्रमोटिंग, दे वेर प्रमोटिंग ऑटार्की। ऑटार्की पता है क्या होता है? सेल्फ सफिशियंसी, सब कुछ हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वी वॉन्ट बी इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम एनीवन, ठीक है, वो हो गया, उसे ऑटार्की कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज सिग्निफिकेंस लाइज इन मेकिंग एजुकेशन एज द बेडरॉक ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑन विच इज स्ट्रक्चर्ड द होल आइडियल स्टेट। सवाल आप आराम से पढ़ो एक बार, हाँ हाँ देखो आपने इसमें छोटी सी गलती कर दी, क्योंकि आपने इसे सिर्फ कैपिटल, सिर्फ फिलोसोफर किंग के साथ जोड़ा। आप खुद देख लो, मेकिंग एजुकेशन एज द बेडरॉक ऑन विच स्ट्रक्चर्ड द होल आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट डज नॉट मीन द फिलोसोफर किंग ओनली, फिलोसोफर किंग इज देयर टू रूल, बट साइमल्टेनियसली इवन विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्लासेस इट इज द एजुकेशन। कौन जाएगा प्रोड्यूसर क्लास में, कौन जाएगा सोल्जर क्लास में, ये कहां से डिसाइड हो रहा है, ये भी तो एजुकेशन ही डिसाइड कर रहा है ना, बस। हाँ, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जो उसका है उसके पीछे का पर्पस क्या है, यस आइडियल स्टेट बनाना, लेकिन उसके वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, दैट हु इज गोइंग वेयर थ्रू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बस। तो इसमें सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्लेटो, इसका फोकस है आइडियल स्टेट, ठीक है ना, और उस आइडियल स्टेट में विच इज गवर्न्ड बाय द फिलोसोफर किंग एंड देयर इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, उसके लिए व्हाट इज द व्हीकल ही हैज यूज्ड, दैट इज एजुकेशन, एंड उसके बाद यू विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल that how through education he goes on for segregation of people from different qualities of soul as producer class, soldier class and ruler class, ठीक है, right? इसके बाद अगर हम चाहें तो we can also write what Rousseau has said, best treatise written about education,
ठीक है। और इसकी अच्छी बात क्या थी, क्योंकि इट इज सेइंग दैट प्लेटोज सिग्निफिकेंस लाइज इन मेकिंग एजुकेशन द बेडरॉक। कैन वी से कि जो प्लेटो का जो सिस्टम था, इट वॉज नॉट आर्बिट्ररी बट बेस्ड ऑन एजुकेशन गिविंग इक्वल चांस टू एवरीवन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली द सेटअप इज हायरार्किकल कि ठीक है उसका बेटा है तो वो बनेगा, उसका बेटा है तो वो बनेगा। बट यहाँ पे द गुड थिंग इज दैट इट इज थ्रू एजुकेशन एवरीथिंग इज बीइंग सेट अप। यस, सो नो वन कैन से दैट आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, राइट? दिस इज द पॉजिटिव थिंग दैट देयर इज अ सिस्टम विच इज ऑब्जेक्टिव इन इट्स फंक्शन। ये पहले, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन नेचुरल है कि वी हैव टू गो फॉर क्रिटिसिज्म। तो जब हम इसे क्रिटिसाइज करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट एक तो जो क्वालिटी ऑफ सोल वाला आइडिया है, यस, वो अपने आप में एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वो अपने आप में आर्बिट्ररी है। सेकंड चीज क्या है कि किसी को इसने आगे फर्दर मोबिलिटी का स्कोप नहीं दे रखा है। यस, इट इज अ रिजिड सिस्टम, देयर इज नो स्कोप फॉर मोबिलिटी। तो ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन कंक्लूड कैसे करेंगे, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस, रोल ऑफ एजुकेशन इन एंश्योरिंग अ क्वालिटी सिटीजनरी कैन नॉट बी डिनाइड इन प्लेटोज आइडियाज या प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। यहां रूसो को डाल सकते हो, रूसो को आप इससे पहले भी डाल सकते हो, कहीं भी यू कैन पुट। ठीक है, डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ फार डू द थियरीज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस रिकनसाइल विथ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स। बोलो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं ठीक, वो देखो, वो हेजिटेट नहीं करने का, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो कोई इशू नहीं। आपको पता है एंटेटेलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? या नॉजिक का ही है? हाँ नहीं बात, हाँ सही सही है, सही है। हाँ वो नॉजिक का नहीं, वो ग्राहम समनर का है। हाँ, ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेरी ही सपोज टू बी। एंटाइटलमेंट थ्योरी का क्या है, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर और बस भैया रेक्टिफिकेशन अगर किसी तरीके की गलती है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ, अफर्मेटिव एक्शन, उसके साथ लेकिन एंटाइटलमेंट को कैसे लिंक करोगे? हाँ, ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड स्टेट।
अच्छा हाँ, दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट्स इज बेस्ड ऑन सैंड, राइट। देखो इसको स्ट्रक्चर करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, मैं साफ कह रहा हूं। आपने दो तीन आइडियाज दे दिए, लेकिन दिक्कत है इसे स्ट्रक्चर करना, क्योंकि देखो इसमें इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या क्या है। की टर्म है एक तो इक्वालिटी, सेकंड की टर्म इज जस्टिस, एंड थर्ड इज अफर्मेटिव एक्शन। राइट, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, और देखो क्वेश्चन का देखो, थियरीज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, इट मीन्स वी हैव टू टॉक की विच एवर थियरी ऑफ इक्वालिटी इज देयर, विच एवर थियरी ऑफ जस्टिस इज देयर, हाउ डज इट रिकनसाइल विथ अफर्मेटिव एक्शन, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव एक्शन, सम थियरीज ऑफ जस्टिस डू अग्री विथ इट, अदर थियरीज डू नॉट। जैसे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, क्या वो अफर्मेटिव एक्शन के साथ स्टैंड करता है? नहीं करेगा, क्योंकि वो लिबर्टी, सो नियो लिबरल आइडिया है, तो नियो लिबरल क्यों कहेगा अफर्मेटिव एक्शन, वो तो कहता है कि स्टेट से जितना दूर भागो, राइट। या फिर जब हम क्लासिकल लिबरल की बात करते हैं, क्या उनका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वही जब हम बात करेंगे सोशल लिबरल का, पॉजिटिव लिबरल का, नेचुरली इट विल अग्री टू इट, राइट। अब हम आते हैं थियरीज ऑफ इक्वालिटी। जो लिबरल थियरी ऑफ इक्वालिटी है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या वो अलाइन करेगा अफर्मेटिव एक्शन के साथ? नहीं करेगा, राइट। दूसरा, जब हम मार्क्सिस्ट आइडिया की बात करते हैं, ठीक है ना, इच एज पर कैपेबिलिटी टू इच एज पर देयर नीड, क्या वो अग्री करेगा? एग्जैक्टली, बट इट विल, राइट, इट विल। तो हमें इसी तरीके से अपने डिस्कशन को लेकर के चलना है, दैट सम ऑफ, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ इक्वालिटी जस्टिस चलता है, और समस्या क्या है ना, आपके दिमाग में जैसे ही आइडियाज आते हैं ना, सिंस यू नो अलॉट मेनी लिबरल थॉट्स, लिबरलिज्म के अलावा मार्क्सिज्म या सोशलिज्म तो साइड चला जाता है, उस पर तो दिमाग आता ही नहीं आपका, सही है। तो इसलिए थोड़ा ना दिमाग को, इसीलिए कहते हैं ठंडे दिमाग से पेपर को पढ़ना चाहिए, और उसके बाद कौन कौन से आइडियाज हैं, क्या कह रहा है, बिकॉज थियरीज लिखा हुआ है, थियरीज ऑफ इक्वालिटी एंड थियरीज ऑफ जस्टिस, हाउ डू दे रिकंस, ठीक है। तो इसमें देखो दो तरीके से इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, एक तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, एंड आफ्टर डिस्कसिंग अफर्मेटिव एक्शन वी विल गो फॉर डिस्कसिंग की विच थियरीज ऑफ इक्वालिटी अग्रीज एंड विच, मतलब कि विच थियरीज ऑफ इक्वालिटी दैट डू नॉट अग्री, थियरीज ऑफ जस्टिस दैट डू नॉट अग्री, हाउएवर देयर आर अदर थियरीज ऑफ इक्वालिटी दैट अग्रीज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, वी कैन स्टार्ट विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस, राइट, दैट थियरीज ऑफ इक्वालिटी आर एम्ड एट इंश्योरिंग अ जस्ट सोसाइटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वालिटी में जब हम लिबरल थियरी की बात करेंगे, तो ये क्या कहता है, लिबरल थियोरी ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, और ये बात करता है राइट्स बेस्ड जस्टिस की, राइट। उसी तरीके से इसी के नीचे हम डाल देंगे नियो लिबरल थियोरी, ये बात करता है एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, राइट, हम एक्सप्लेन कर देंगे
एंटाइटलमेंट थ्योरी क्या है एंड हाउ इट लिमिट्स द स्टेट फ्रॉम गोइंग फॉर अफर्मेटिव एक्शन. उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट, लिबरल हो गया तो वी विल टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट आइडिया, ठीक है ना, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है. ये आपका हो गया नीड बेस्ड जस्टिस. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म एंड दिस लिमिट्स स्कोप फॉर क्रिएटिविटी हो गया, इनोवेशन हो गया. राइट, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अब हम देखो, हमने दोनों साइड की बात कर ली, या इसमें आप थोड़ा और कर सकते थे. जैसे कि ये जो नियो लिबरल है ना, ये देखो लिबरल थियोरी क्या बात करती है, राइट्स बेस्ड. नियो लिबरल क्या बात करती है, डेजर्ट बेस्ड. याद है, मतलब कि तीन ही होना चाहिए ना, राइट नीड, राइट बेस्ड, नीड बेस्ड, राइट बेस्ड और ये डेजर्ट बेस्ड, ठीक है ना. तीन ही थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना ब्रॉडली. और मार्क्सिस्ट क्या बात करते हैं, मार्क्सिस्ट बात करते हैं नीड बेस्ड आइडिया ऑफ जस्टिस. डेजर्ट का मतलब व्हाट यू डिजर्व, ठीक है ना. राइट का मतलब कि एज पर द राइट्स गिवन बाय द स्टेट. लिबरल हो गया, नियो लिबरल हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया. तो यहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये अफर्मेटिव एक्शन को क्रिटिसाइज करेगा. ये दे तो रहा है लेकिन ये एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा, इससे भी दिक्कत है. और अब हम चले जाएंगे व्हाट यू वेर टॉकिंग अबाउट, सीधे का सीधा सोशल लिबरल, जहां की हम देखो अफर्मेटिव एक्शन की आइडिया आता कहां से है. देखो बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव लिबरल्स, पॉजिटिव लिबरल्स ने अफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं की है, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की. तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि स्टेट टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी. लेकिन अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यस, तो वही, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल का, ये क्या है, डोंट यू थिंक दिस इज अफर्मेटिव एक्शन. क्योंकि वो खुद कहता है ना कि जो भी अगर भैया किसी तरह का डिसएडवांटेज है या इनइक्वालिटी है, वो फोकस्ड होना चाहिए टुवर्ड्स द मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यही है ना अफर्मेटिव एक्शन. या फिर जब हम डॉर्किन की बात कर देते हैं, उसका जो रिसोर्स इगलिटेरियनिज्म है, वो तो खुद कहता है ना कि एनी वन हु सफर्स फ्रॉम ब्रूट लक रादर देन चॉइस, चॉइस के केस में तो नहीं होना चाहिए कंपनसेशन, बट ब्रूट लक के केस में होना चाहिए कंपनसेशन. दिस इज व्हाट, क्योंकि हमारे यहाँ लुक, जस्ट लुक एट आर अफर्मेटिव एक्शन. इट मीन्स कि वेदर यू आर बॉर्न इन विच सोसाइटी, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट जस्ट बाई वर्च्यू ऑफ योर बर्थ यू हैव फेस्ड सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो टू कंपनसेट फॉर दैट डिस्क्रिमिनेशन, यू आर बींग प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स. गॉट इट. इसके अलावा आप सेन की बात कर सकते हैं, हो गया काम खत्म हो गया. ये तरीका इसे हैंडल करने का. तो देखो बात है स्ट्रक्चर कैसे फ्लो करता है. पहले हमने एक को पकड़ा, फिर हमने दूसरे को पकड़ा, पहले हमने नेगेटिव्स को लिख करके नेगेटिव्स को साइडलाइन कर दिए, फिर हम आ गए कि हमें कंक्लूड कैसे कर, फिर हम पॉजिटिव पे आ गए. एनी कंफ्यूजन, एक बार जाकर के घर पे देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स बट नेचुरल. कि अभी सुनने में तो सब अच्छा लगता है लेकिन दिमाग से चला जाएगा, ये सर्टन है. चलिए ठीक है, अगला सवाल क्या है.
स्टीवन लुक्स का आइडिया ऑफ पावर थोड़ा बहुत याद होगा, हाँ, डिसीजन मेकिंग, और एक और क्या है, थॉट कंट्रोल, हाँ चलो ठीक है, ओके अब देखते हैं। तो जो स्टीवन ल्यूक्स ने थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर डाला है, पहला क्या है, एजेंडा सेटिंग, इसमें क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप्स, कि हाउ दे आर सेटिंग द एजेंडा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट जो द फार्मर्स प्रोटेस्ट, कंसर्न क्या था, नहीं था, बट बाई वर्च्यू ऑफ देयर न्यूमेरिकल मेजोरिटी उन्होंने एजेंडा सेट किया कि ये हमारे अगेंस्ट है, तो वो भी तो एक तरह से पावर हो गया ना, कि डिस्पाइट नॉट बीइंग इन पावर दे कुड सेट द एजेंडा, दे कुड कन्विंस द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट रिपील, ये हो गया एजेंडा सेट। सो उसके बाद दूसरा आया है, आई थिंक बैचर एंड बराज जो है ये मैं वैसे लिखवा दूंगा, डिसीजन मेकिंग जो है इसमें क्या वो बोला कि ठीक है तुमने एजेंडा तो सेट कर दिया, बट ये सरकार के ऊपर था ना, अगर उनके ऊपर रहता डिसीजन लेने का वो तो एक महीने में ही हो जाना था, फिर आपको एक साल वेट क्यों करना पड़ा। इट मीन्स इवन गवर्नमेंट वॉज हैविंग सम पावर, सो दैट पावर वॉज डिसीजन मेकिंग पावर, no matter what agenda you are setting, ultimately a decision has to be made and that is another set of power, theek hai। phir ल्यूक्स ne baat ki hai thought control ki aur usne isi ke bare mein baat kiya, bola hai ki this is the most insidious type of power, something jiski ki baat karta hai Gramsci। हमारे दिमाग में है ना कि वेस्ट हमसे अच्छा है, वेस्ट इज सुपीरियर टू अस, वो क्या है, क्यों है, व्हाई डू वी थिंक लाइक दैट, उसकी हेजेमनी है, सो दैट इज द थॉट कंट्रोल प्रोसेस। सो इसने बात की है तीसरे तरीके से, ठीक है। अब जो सवाल आया है ये तो ठीक है, ये तो तीनों अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फूको थियोरी ऑफ पावर। फूको थियोरी ऑफ पावर क्या है, यस, सो इसने क्या दिया है, पोस्ट स्ट्रक्चरल, क्योंकि अगेन लुक एट हियर, यहां इसने बात किया है एजेंडा सेटिंग प्रेशर ग्रुप के पास है, ये कह रहा है यहां पे भैया एग्जीक्यूटिव के पास है, डिसीजन मेकिंग के पास है, यहां पे भी सिविल सोसाइटी के पास है, बट व्हेन फूको इज टॉकिंग अबाउट, फूको सेज की जरूरी नहीं है किसी स्ट्रक्चर के पास हो, वो पोस्ट स्ट्रक्चरल, ही इज टॉकिंग अबाउट पावर दैट इज बियॉन्ड स्ट्रक्चर्स, कह रहा है ना कि पावर फ्लोज लाइक ब्लड फ्लोज, पावर फ्लोज थ्रू द सोसाइटी लाइक ब्लड फ्लोज इन आर वेंस, सो और हर इंसान जो है ना उसके ऊपर पावर एक्ट करता है और वो किसी दूसरे के ऊपर पावर एक्ट करता है, सो वो स्ट्रक्चरल आइडिया, तो ये पहला डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल व्यू वेयर इज लिंकिंग पावर टू विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, और इसने नहीं किया, ठीक है, पावर इज एवरीवेयर, इसने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात की है, जैसे बायो पावर हो गया, ठीक है ना, बायो पावर हो गया, गवर्नमेंटैलिटी, उन चीजों की बात की है, इसने उस तरीके की बात नहीं की है। थर्ड क्या है ना, इफ यू रिमेम्बर, इसने पावर को एक पॉजिटिव सेंस में भी रखा है, बोला है ना कि पावर का एक प्रोडक्टिव रोल भी है, सोसाइटी में ऑर्डर इंश्योर करने का है,
इसने पावर का उस तरीके का कोई पॉजिटिव रोल रखा नहीं। यस नहीं, ट्रेडिशनली एक नेगेटिव कंसेप्ट ही है, ठीक है ना? बिकॉज पावर किसी को फ्रीडम नहीं दे रहा है, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल, डोमिनेंस और डोमिनेशन। ये तो थ्रू आउट कंट्रोल एंड डोमिनेशन की बात है, बट फूको हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ पॉजिटिव व्यू ऑफ पावर, पॉजिटिव आइडिया ऑफ पावर। यस हाँ, पावर क्रिएट्स आइडेंटिटी, पावर इंश्योर्स ऑर्डर, पावर के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पावर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। तो ये फूको के साथ आपके स्पेसिफिक डिफरेंसेस हो, ठीक है? नेक्स्ट इज, आगे आपका फेवरेट वाला सवाल, जो आपको लग रहा था कि मुश्किल है, यही आप बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म बोल रहे थे ना? वो तो आपने पढ़ गया पाए हैं, तो इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पढ़ो सवाल। तो सवाल को देखिए, इट इज इमर्ज्ड एज एन अटेम्प्ट टू रीड पॉलिटिकल थियोरी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस। मींस जो पॉलिटिकल थियोरी थी उसके कुछ लिमिटेशंस थे, उससे फ्री करने के लिए, राइट? बट इट फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल साइंस इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस, राइट? लेकिन इसके खुद के लिमिटेशंस थे, और वो लिमिटेशन क्या था? इट वाज नो मोर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस, ठीक है? तो नेचुरली इसका इंट्रोडक्शन कैसे जाएगा? सबसे इंट्रोडक्शन में पूछ रहा हूं, यस, एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, ठीक है, एंड व्हाई इट इमर्ज्ड, ठीक है? सही मुझे दिख रहा है, आपके वो जो नंबर नहीं मिला है ना, वो दिक्कत स्ट्रक्चर में ही है, वो बातचीत से मुझे अंदाजा लग रहा है। आप सीधे का सीधा जो टर्म देखा उस पर जंप मार, ठीक है? हम इंट्रोडक्शन में वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, राइट? और इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे नेचुरली व्हाई इट इमर्ज्ड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई इट इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ देयर वेर लिमिटेशंस टू ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन, है वो सवाल का डिमांड? To read political theory of its existing limitations, वहां पे हम उसी की बात कर रहे हैं ना? So naturally this will be one of the content. The what were the limitations? ठीक है, वो हम explain कर देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे कि ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बिहेवियरलिज्म एंड व्हाट डिड इट ब्रिंग एंड हाउ इट हेल्प। मतलब कि ये जो रीड करने का है, हाउ डिड इट हेल्प, डन, वो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है? बट इट फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म, तो ये भी तो एक एरिया है ना, वी विल हैव टू अगेन एक्सप्लेन द लिमिटेशंस। पक्का हो ना? क्योंकि सवाल वही कह रहा है कि हाउ इट फेल्ड टू ट्रांसफॉर्म, तो वी विल हैव टू एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। वही सारे का सारा, कैसे इसने स्कोप को नैरो कर दिया, हाँ, फैक्ट्स को प्राइमेसी दी, जिसके कारण कि एक लिमिटेड इसका अपना लिमिटेशन हो गया। वो जो सारे का सारा लियो स्ट्रॉस से लेकर के जो सारे क्रिटिक्स हैं ना, लियो स्ट्रॉस, प्लेमनेट, सब आप। और हाँ, ये सिर्फ कहानी नहीं लिखनी है,
जैसे हम बिहेवियरलिज्म लिख रहे हैं ना, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, वहां पे आप डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डल का आइडियाज डालोगे। यहाँ पे अगेन व्हेन वी आर कमिंग टू, ठीक है इसने कैसे हेल्प किया, तो लॉर्ड ब्रायस वगैरह ने बोला है वी नीड फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो फिर से किस तरीके से, हाँ नहीं लिमिटेशन इसके क्या थे तो वो हम बताएंगे। वहां पे भी ईस्टर्न का फिर से क्रिटिसिज्म है, लियो स्ट्रॉस वगैरह का क्रिटिसिज्म है, राइट। और उसके बाद फिर वी विल गो फॉर पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड वी विल एक्सप्लेन दैट कैसे इसने जो पुराने और नए तरीके दोनों को, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी को खत्म कर दिया और इसे एक ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड साइंसेस बना दिया, ठीक है ना, एंड मेड इट इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस। हाँ बिल्कुल, तो वही इसने कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस बना दिया, क्योंकि पता है पहले व्हाट बिहेवियरलिज्म वर सेइंग, और ये मैंने पिछले क्लास में भी शायद बताया है इफ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, वो कह बिहेवियरलिज्म बोल रहे थे कि बेटर टू बी रॉन्ग देन टू बी वेग, क्योंकि साइंस है, साइंस गोज इनटू राइट एंड रॉन्ग, बट फिलोसफी, फिलोसफी इज वेग, हाँ नॉर्मेटिव आइडियाज, क्योंकि वहां पे कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने क्या बोला कि बेटर टू बी वेग देन टू बी, हाँ ये रोंग की बात कहां कर रहा है, अरे सुनो, देन टू बी रेलेवेंट, क्योंकि बात वही हो गई थी ना बिहेवियरलिज्म के कारण द रेलेवेंस ऑफ डिसिप्लिन टू इटसेल्फ वाज इन क्वेश्चन, क्योंकि योर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टू गाइड द सोसाइटी, बट यू आर नॉट एबल टू गाइड बिकॉज वैल्यूज को आपने खत्म कर दिया है, विदाउट वैल्यूज हाउ यू कैन गाइड द सोसाइटी। सो इन्होंने वही बोला कि भैया वेग हो जाओ, अदरवाइज इररेलेवेंट हो जाओगे, समझ गए यार। सब्जेक्ट ये बड़ा मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आता है इस सब्जेक्ट में। मजा आ रहा है क्लास में पक्का? अगर मैं आपसे सवाल पूछना बंद कर दूं तो और ज्यादा मजा आने लगेगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस वॉज एन आइडियोलॉजिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट रादर देन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कमेंट। देखो ये गलती तो मेरे सामने मत करना, क्योंकि आप लोग ना एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री में ही कंफ्यूज हो जा रहे हो। फ्रांसिस फुकुयामा की क्या थियरी है, क्या थीसिस है, हाँ थीसिस का नाम बताओ, एंड ऑफ हिस्ट्री है और हम यहां पे क्या बात हो रही है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री में फर्क है, बस। बहुत सारे लोग, एक हाँ मैं किसी और की कॉपी चेक कर रहा था, उसने भी मैंने सवाल पूछ रखा है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, उसने फुकुयामा लिख रखा है। ये गलतियां मत करो भाई, नहीं तो सीधे का सीधा सोच लो 15 नंबर का सवाल है, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी वॉज एन आइडियोलॉजिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट रादर देन एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन एंड ऑफ आइडियोलॉजी है क्या, ये जो थीसिस है दिस वॉज गिवन बाय डैनियल बेल एंड ही हैज एक्सप्लेन कि कैसे जो
डिफरेंसेस हैं, जो फाइट ऑफ आइडियोलॉजी है वो खत्म हो गई है, आइडियोलॉजी इज इन बैक सीट एंड इकोनॉमी इज इन फ्रंट सीट। हर किसी का फोकस क्या है, हर जगह पे सिमिलर टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक स्टेट आ चुका है, और हर किसी का फोकस है इकोनॉमिक वेलबींग, राइट। ये है डेनियल बेल। इसके बाद इसी के जो दोस्त लोग हैं, लिप्सेट हो गया, नहीं रिग्स नहीं, रोस्टॉ, WW रोस्टॉ, नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना। इसने जो बोला है कि फोर फेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब मुझे पता है अभी आपको याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है ना, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब वापस सवाल पर जाओ, हमने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस पहले एक्सप्लेन कर दी, अब आता है इसका मेन क्रिटिसिज्म। क्योंकि जब हम बात करें आइडियोलॉजिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट, तो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, नहीं इट इज बेस्ड ऑन आइडियाज नहीं, उसका फोकस था असल में कि आइडियोलॉजी, देखो एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो किसका प्रमोशन था, लिबरलिज्म, राइट, ठीक है ना। तो वही है कि मतलब, तो सवाल है ना कि ये कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं था, इट वॉज अल्टीमेटली फॉर प्रमोशन ऑफ लिबरलिज्म ओवर सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म, तो वो दिखाना है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हु आर द पीपल और स्कॉलर्स हु हैव क्रिटिसाइज्ड इट। तो एक तो तुम्हारा सी राइट मिल्स ने खुद बोल रखा है एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है उसका एक बुक लिखा हुआ है दी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, वहां इसने लिख रखा है कि ये एक खुद में आइडियोलॉजिकल स्टांस है एंड इट एम्स टू हाइड द रियल एंड परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया मैकिंटायर, इसने भी वही बोला है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज एन आइडियोलॉजी इन इटसेल्फ, ठीक है ना। मैकफर्सन ने बोल रखा है कि वेस्टर्न सोसाइटीज दे हैव नॉट एंडेड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये अपन यहां तक आ गए, अब आता है टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो व्हेन वी आर कंक्लूडिंग, एंड ऑफ आइडियोलॉजी को कैसे कंक्लूड करें, टेररिज्म तो वो एंड ऑफ हिस्ट्री का आर्ग्यूमेंट है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का क्या है ना कि बाद में हमने खुद देखा था ना, कोल्ड वॉर फिर से इंटेंसिफाई हो गया था, जब रोनाल्ड रीगन आया था तो उस समय हमने खुद देखा था एंड द नेशन रिमेन्ड डिवाइडेड, ठीक है ना। क्योंकि ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखा गया था डेटांट फेज में, जब इन दोनों के बीच में थोड़ा क्यूबन क्राइसिस के बाद मामला सेट हुआ था, तो उसके बाद फिर से आ गया। तो दिस शोड द लिमिटेशन ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस, क्योंकि हम अपने साइड से नहीं लिखेंगे ना कि ये गलत है, हम कुछ एग्जांपल दे करके बोलेंगे कि इस बेसिस पर आई एम सेइंग दैट इट है, और रॉन्ग नहीं बोलने का, शोज द लिमिटेशंस। रॉन्ग और राइट वो अलग चीज हो गया, उतना ओपन ह्यूमैनिटीज में कभी नहीं होते। सो दिस शोज द लिमिटेशन ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस, राइट। ओके, अब अगला आता है, ये तो जाना पहचाना सवाल है, राइट अ नोट ऑन द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्सियन नोशन ऑफ जस्टिस। इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, वेरी गुड, गुड, ठीक है, यस,
पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। यहाँ पे जब हम कम्युनिटेरियन क्रिटिक कर रहे हैं ना, सैंडल बॉल्जर सही है, थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या क्या क्रिटिक किया है, सबसे पहले फोकस ऑन इंडिविजुअल। रॉल्स ने क्या बोल रखा था, हर इंडिविजुअल फ्री है, अनएनकम्बर्ड सेल्फ है, इसने खुद मना कर दिया, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, रॉल्स ने सोसाइटी को, आइडियोलॉजी को फोकस नहीं किया है, इसने खुद बात किया है। देन रॉल्स हैज टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन, उसने बोला था ना कि मेरा जो थियोरी ऑफ जस्टिस है ये एक यूनिवर्सल थियोरी ऑफ जस्टिस है जो कि हर सोसाइटी में लागू होगा, वो अगला नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे उसी के बाद ना जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की थियोरी है कि भैया इक्वालिटी इज नॉट दैट सिंपल, इक्वालिटी इज सो मच कॉम्प्लेक्स, तो इस तरीके से इंडिविजुअल बेसिस पर जा करके हम एक्सप्लेन कर देंगे कि रॉल्स जो कह रहा था उसको कैसे इन लोगों ने रिफ्यूट किया, ठीक है। और उसके बाद एज यू आर सेइंग कि बाद में जा करके हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे कैसे रॉल्स अग्रीड, ठीक है, डन। ये सेक्शन हो गया, कल भी है तो सेक्शन भी कल करते हैं, ठीक है, सही रहा। रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर लिखने के बाद। आई मीन कोई भी ऐसी जगह वेर यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार इस जगह पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो जाता है, या आई एम फीलिंग समवट मोर ट्रबल्ड, कुछ ऐसा कहीं पे, अब देख लो सवाल, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा वैसे कोई बात नहीं है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो देखो एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है ना ये दिया था डैनियल बेल ने, ठीक है ना। इसके बुक का इफ आई एम राइट बुक का नाम था शायद एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड द लास्ट मैन, जस्ट से अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है तो मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन है यार, और भी एक मिनट, हाँ ठीक, नहीं अभी मेरे पास वो बुक लिखा हुआ नहीं, ठीक है ना। डैनियल बेल इसने क्या बोला था कि दिस वॉज द टाइम ऑफ देतांत, देतांत वो जो फेस था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, देयर वर टेंशंस, देन इट वाज 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हेन यूएसएसआर ट्राइड टू पुट इन मिसाइल्स इन क्यूबा एंड यूएसए ने एक एम्बार्गो पुट किया, एंड इट वाज अ सिचुएशन कि वर्ल्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, एंड उसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज अ हॉ इन द रिलेशनशिप, बिकॉज बहुत शौक यार अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो मामला खत्म था। तो उसके बेसिस पर व्हेन देयर, क्योंकि ये दोनों देखो, व्हेन यू आर लुकिंग एट यूएसए, यूएसए वाज अ कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, राइट, एंड यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट, इट वॉज अ टाइम वेन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट देर वॉज रिडक्शन इन टेंशन एंड इनफैक्ट देर वॉज कोऑपरेशन एज वेल। सो व्हाट ही वेल आर्ग्यूड दैट द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इट इज नो मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी सिग्निफिकेंट रहता तो टेंशन वुड हैव बीन देयर, बट द टेंशन आर नो मोर देयर। रीजन इसके पीछे का क्या है कि फोकस जो है ना, फोकस इज नॉट ऑन द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी बट फोकस इज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेदर इट इज ईस्ट और इट इज वेस्ट, ईस्ट मतलब कम्युनिस्ट ब्लॉक, वेस्ट मतलब कैपिटलिस्ट ब्लॉक,
सिमिलर टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक स्टेट है जी, क्योंकि दोनों जगह जो कंट्रोल है ना वो आइडियोलॉजी वालों के पास नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता, ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स एंड दे गो फॉर डूइंग देयर जॉब, राइट। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसलिए ये जो आइडियोलॉजी के टेंशन की बात करो, ये आइडियोलॉजी की टेंशन है ही नहीं, अभी आइडियोलॉजी हैज टेकन द बैक सीट एंड इट इज इकोनॉमी विच इज इन द फ्रंट सीट, मतलब अल्टीमेटली इट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स दैट इज ड्राइविंग द व्हीकल। हाँ, इकोनॉमी इज ड्राइविंग द पॉलिसीज द डिसीजंस। तो जब इकोनॉमी ड्राइव कर रहा है, आइडियोलॉजी नहीं ड्राइव कर रहा है, एंड दैट वॉज द रीजन वाई देर वॉज स्कोप फॉर कोऑपरेशन। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब जो आइडियोलॉजिकल टेंशन बिटवीन द सोसाइटीज वो खत्म हो चुका, ठीक है। उसके बाद एक और आया लिप्सेट, ठीक है ना। लिप्सेट ने भी यही बात बोली है, लिप्सेट ने भी वही बोला है कि अल्टीमेटली व्हेन वी आर लुकिंग एट द सोसाइटीज एक ही तरह का इकोनॉमी, द फोकस इज ऑन इकोनॉमिक डेवलप, एक ही तरह की सोसाइटी हर जगह इमर्ज हो रही, सो इसलिए अब आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट का कोई मतलब है नहीं, आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट से सबसाइड है, ठीक है। उसके बाद आया रोस्टॉक और WW रोस्टॉक, इनका था शायद फेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनके बुक का नाम, और इन्होंने दिया था फोर फेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, स्टेज फॉर टेक ऑफ होता है, उसके बाद होता है एरा ऑफ मास कंजम्पशन होता है। सो ही इज सेइंग कि वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट और यू आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो दोनों तरफ सिमिलर टाइप का है, सेम टाइप का अर्बनाइजेशन दोनों तरफ। हाँ, तो इसके कारण अगेन देखो कुल मिलाकर व्हाट दे वेयर डूइंग, दे वेयर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट अल्टीमेटली दिस आइडियोलॉजिकल एम्फेसिस और रोल ऑफ आइडियोलॉजी नेचुरली दैट हैज रिड्यूस्ड, आइडियोलॉजी इज नॉट एट द फ्रंट, इट इज द इकोनॉमी विच इज ड्राइविंग, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो, दो दे हैव टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी, बट इकोनॉमी मेन फोकस किनका है, यस, और कैपिटलिस्ट मतलब वेस्ट मतलब लिबरल। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमी इट मींस अल्टीमेटली यू आर फोकसिंग ऑन द वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न वैल्यू, लिबरलिज्म। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज इस तरीके से किया गया। फिर इन्होंने ये बात भी बोली, लिप्सेट ने बोला कि देखो पहले क्यों दिक्कत थी, पहले टेंशन इस बात के लिए थी क्योंकि ये जो सोसाइटीज में आइडियोलॉजिकल टेंशन है वो आइडियोलॉजिकल टेंशन है क्यों, क्योंकि सम आर रिच सम आर पुअर, देर इज अ क्लास डिवाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लास डिवाइड देर वॉज दिस टेंशन, एंड दैट इज वाई कम्युनिज्म केम इन टू एग्जिस्टेंस। अब ये बोल इन्होंने बोला कि क्या हो रहा है कि नाउ मनी इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड, तो इसके कारण जो सोसाइटी में टेंशंस हो रहे हैं दोज टेंशंस आर सबसाइडिंग। फिर स्टेट जो है कम्युनिस्ट का क्या था, स्टेट के साथ उनको दिक्कत थी क्योंकि स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआ, स्टेट जो है वो वेलफेयर इनिशिएटिव ले रहा है, तो देन इट मींस स्टेट इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शंस प्रोलिटेरियट्स, राइट। तो इसके फिर स्टेट के लिए स्टेट के साथ टेंशन होगा किस बात का, यू वर प्रीवियसली सेइंग दैट स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ बट नाउ स्टेट इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोलिटेरियट्स, तो किस तरीके की टेंशन। तो ये सारे बेसिस पर उन्होंने कहा कि ये जो आइडियोलॉजिकल टेंशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये खत्म है, ठीक है। लेकिन फिर आया यहाँ पे क्रिटिसिज्म, एक तो इन्होंने कहा कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, क्यों, दिस इज अ सटल जस्टिफिकेशन ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, क्योंकि इट इज द वेस्ट विच फोकसेस ऑन द इकोनॉमी, जो कम्युनिस्ट स्टेट है उसका इकोनॉमी पर फोकस नहीं है, वो तो फोकस करता है इकोनॉमी दे दो स्टेट को, ठीक है ना, या सिविल सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
सो दैट कि हर किसी के पास फ्रीडम हो, देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी, देयर शुड नो मोर क्लास डिवाइड शुड बी देयर. तो वही कहा कि ये तुम अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर रहे हो. इट इज नॉट कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज न्यू, इट इज जस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट अल्टीमेटली इट इज द कैपिटलिज्म और लिबरल वैल्यू जो कि आगे बढ़ गए. फिर मैकफर्सन आते हैं. मैकफर्सन कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल टेंशंस हैं वो तभी खत्म होंगे ना जब सोसाइटी इक्वल हो गई हो. जब तक इनइक्वालिटी रहेगी, वन विल बी रिच, वन विल बी पुअर, पुअर विल बी ड्रिवन बाय अनदर आइडियोलॉजी दैट इज कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म, सो दिस टेंशंस विल कंटिन्यू. तो उन्होंने बोला है कि वेस्ट हैज नॉट गॉट रीड ऑफ ऑल इट्स डिफरेंसेस. वेस्ट की में जो सोसाइटल डिवाइड या सोसाइटल डिफरेंसेस थे, जो सोसाइटल टेंशंस थे, वो खत्म नहीं हुए हैं. सी राइट मिल्स ने वही बात बोली है कि वॉट एवर एफर्ट दे वेर टेकिंग, उस एफर्ट के पीछे का पर्पस या फोकस क्या था कि टू मास्क द सोशल टेंशंस दैट इज इन द वेस्ट. तुम दिखा रहे थे कि वेस्ट की सोसाइटी में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, जबकि हकीकत है कि तुम्हारी सोसाइटी में टेंशन है. यू आर जस्ट ट्राइंग टू मास्क दैट. यह लेकिन उसके बाद वही हो गया, वापस से जब टेंशन से बढ़ गए, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस अपने आप खत्म हो गई. उसके बाद जब यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद फिर 1990s में फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया एंड ऑफ हिस्ट्री. तो एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है? देखो वो उस तरीके से नहीं. एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है ना कि हिस्ट्री मतलब इवेंट्स विल टेक प्लेस, टाइम विल कंटिन्यू, बट द आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज व्हेन वी लुक एट इट डायलेक्टिकली, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म दीज वर टू डायलेक्टिकली ऑपोजिट वैल्यूज. इन दोनों के बीच में नेचुरली देयर विल कॉन्फ्लिक्ट्स, थीसिस एंटीथीसिस, लास्ट में जो बचा वो क्या है? सिंथेसिस. So, वही बोला कि कैपिटलिज्म या फिर मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट ह्यूमन बींग्स कैन अचीव. उसने बोला कि इवेंट्स विल नेचुरली टेक प्लेस, बट ये जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग है कि हाउ ह्यूमन बींग्स शुड गवर्न देमसेल्व, दैट हैज बीन अचीव्ड, एंड दैट अचीवमेंट इज that the liberal democratic state या फिर liberal democratic society is the best form of government that human beings can achieve or imagine. लेकिन बाद में जब 9/11 आ गया, फूट गया 2001 में, उस पर ये कौन आया, फरीद जकारिया, उसने क्या बोल दिया, end of history, कि history अभी end हुआ नहीं है, अभी जो है ना ये एक नया तरह का कन्फ्लिक्ट है. ठीक है, इस तरीके से है. बाकी तो अगर कोई वैसा रहा तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्लियर तो हो गया ना, क्योंकि ऐसे नहीं तो चलते रहते एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. और कोई सवाल, एक बार फिर से देखना है क्वेश्चन पेपर. ठीक है, ओके देन. 1B बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब कल ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके.